फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ संगीता और आज मैं फिर हूँ आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ। दोस्तों, तो आज की रेसिपी बहुत ही झटपट और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो ये है मैगी मसाला की रेसिपी। मैगी तो हर कोई को पसंद होता है, बच्चों से लेकर बड़ों सबका फेवरेट होता है मैगी। बट आज मैं जो तरीका मेथड बता रही हूँ मैगी की, उसको खाने के बाद आप और दीवाने हो जाओगे मैगी को। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन क्लिक कर दीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा मेरे सारे नए वीडियो के अपडेट के लिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ मैगी मसाला की रेसिपी बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैगी को उबाल लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन गैस पर रख लिया और इसमें 2 गिलास पानी ऐड करके इसमें बॉयल आने तक वेट करेंगे। ये देखिए पानी में बॉईल आ गया है अच्छे से। तो यहाँ मैंने 2 पैकेट मैगी को तोड़ के ले लिया है। आप चाहें तो बिना तोड़े भी इसको बना सकते हैं। और मैगी के साथ जो टेस्ट मेकर मसाला आता है उसको अभी ऐड नहीं करेंगे, उसको लास्ट में हमको डालना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चला दें और इसको बॉईल होने के लिए 1.5 से 2 मिनट तक मैक्सिमम, उससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना, ओवर कुक नहीं करना है मैगी को। बस जस्ट देखिए अभी बस दब रहा है, हल्का सा ये टूट रहा है, बस ऐसा ही हमको चाहिए। तो बिल्कुल मैगी यहाँ पे रेडी है। तो गैस का फ्लेम यहाँ बंद कर देते हैं, इसको साइड कर देते हैं। फिर एक कढ़ाई गरम कर लेते हैं और उसमें 2 चम्मच रिफाइंड तेल डालेंगे हम लोग। और तेल गरम होने के बाद इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरा जब हम भून जाए तब उसमें हम लोग बारीक कटा हुआ लहसुन और मिर्ची ये डाल लेंगे और इसको थोड़ा सा हम लोग भून लेंगे। और हल्का सा ये भून जाए उसके बाद इसमें हम लोग मूंगफली डालेंगे थोड़ा सा, और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे हम लोग ताकि ये भी अच्छे से पक जाए, कच्चा ना रहे। और इसको पकने के बाद इसमें हम लोग डालेंगे, मैंने यहाँ पे छोटा सा कटोरी से 1 कटोरी मटर के दाने लिए हैं। आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग इस मैगी मसाले में कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं अपने पसंद के। तो इसको मिक्स करने के बाद ये मटर हमारा बिल्कुल पक गया है। अब इसमें हम लोग 1 बारीक कटा हुआ प्याज और 1 बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च ये डाल देंगे और इसको अच्छा से पकने के लिए ढक के छोड़ देंगे, ढक के पका लेंगे। तो ये देखिए 1 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया है और हम जो प्याज और शिमला मिर्च है वो काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। तो इसके बाद हम लोग इसमें टमाटर डाल देंगे बारीक कटा हुआ, और टमाटर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही अब इसमें हम लोग मसाले डाल लेंगे। मसालों में मैंने यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लिया है, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पे 1/2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर। इन मसालों को डाल के अच्छे से मिक्स करके और फिर ढक के हम लोग 1 से 2 मिनट तक सारे सब्जियों के गलने तक हम लोग पका लेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, सारी सब्जियाँ हमारे अच्छे से गल गए हैं। तो इनको मैश करते हुए हम लोग फिर से एक बार चला लेंगे। और फिर इसमें हम लोग डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच या फिर उससे भी कम गरम मसाला, और इसमें 2 पैकेट जो टेस्ट मेकर मसाला आया था मैगी का वो हम लोग डाल देंगे यहाँ पे, 2 पैकेट। और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम लोग 2 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप डालेंगे, मतलब टोमेटो सॉस। तो यहाँ पे सॉस डालने के बाद फिर इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और ये सब कुछ हाई फ्लेम पे करना है फ्रेंड्स, और इसको लगातार चलाते हुए, ज़्यादा नहीं यहाँ पे भुनना है ना पकाना है सॉस को, बस जस्ट डाला और 1/2 मिनट तक इसको फ्राई करके उसके बाद हम लोग जो मैगी बॉईल करके रखे हैं उसको डाल देंगे। तो देखिए कितना ईजी है ना मैगी मसाला बनाना, बहुत ही ईजी है। सिर्फ
दो मिनट में ऐसे मैगी बन जाती है और इसमें मुश्किल से और 5 मिनट आपको टाइम लगेगा सब्जियों को पकाने तक का, लेकिन इसका टेस्ट 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है फ्रेंड्स मैगी का। तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और लास्ट में हरा धनिया डाल के और मिक्स कर दीजिए। तो ये हमारा मैगी बिल्कुल रेडी है, ये देखिए बिल्कुल गर्मा गर्म टेस्टी। आपको यदि सूपी मैगी चाहिए तो उसमें आप थोड़ा सा पानी और ऐड करके सूपी मैगी भी बना सकते हैं। तो ये देखिए कितना टेस्टी, कितना देखने में कितना यम्मी लग रहा है, खाने में तो बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड्स, बिलीव मी एक बार ज़रूर ट्राई करें। और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।